आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से डायनेमिक अर्थात ऑटोमेटिक बॉर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक डेमो देके सिखाना बताना चाहूंगा। चलिए नॉर्मली अगर हम नॉर्मल इस शीट पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कोई भी एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं एंट्री करने के बाद हमको क्या करना होगा ना, यहाँ पे बॉर्डर लगाना पड़ेगा। सिंपली मान लीजिए अगर इसमें बॉर्डर लगाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे। अब इस बॉर्डर की खराबी अगर मैं इस सेल के डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट करूँ तो देख सकते हैं सिर्फ डेटा डिलीट हो रहा है, बॉर्डर एज इट इज वहीं पर है। तो मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे जैसे मैं एंट्री करूँ ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाए, और जैसे मैं कोई एंट्री डिलीट करूँ ऑटोमेटिक बॉर्डर हट जाए। जैसा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इस सीट पे हम अगर ध्यान देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर लग रहा होगा। आप जैसे कोई भी एंट्री करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बॉर्डर लगता हुआ नजर आ रहा होगा। देख सकते हैं मैं जैसे जैसे एंट्री करता जा रहा हूँ ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट होते जा रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूँ, अगर इस एंट्री को सेलेक्ट करके मैं जैसे ही डिलीट कर रहा हूँ तो देख सकते हैं एंट्री तो डिलीट हो ही हो रहा है, साथ में आपने जो भी बॉर्डर लगाया वो बॉर्डर भी यहाँ पे डिलीट हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। तो हम अगले सीट पे चलते हैं। सबसे पहले इस पूरे सीट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए या तो इस सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, फिर भी पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको होम टैब पे जाना है, जो ऑलरेडी आप देख सकते हैं हम लोग होम टैब पे हैं। उसके बाद आपको स्टाइल्स ब्लॉक जाना है, और स्टाइल्स ब्लॉक जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा न्यू रूल। अब जैसे ही न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक ऑप्शन और हमको दिख रहा है, जिस ऑप्शन का नाम है यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछ रहा है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, मतलब कहाँ पे फॉर्मेट किया जाए जहाँ पे वैल्यू सही हो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपली हम लोग टाइप करेंगे इक्वल टू, और सबसे पहले A1 सेल का पता देंगे, ए कॉलम और वन रॉ। अब यहाँ पे लेस देन सिंबल का सिंबल टाइप करेंगे और ग्रेटर देन सिंबल टाइप करेंगे, इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू। अब उसके बाद सिंपली आपको डबल कोटेशन शुरू करना है, डबल कोटेशन बंद करना है। एक्सेल में डबल कोटेशन शुरू और डबल कोटेशन बंद का मतलब होता है खाली। मैं फॉर्मूला को समझा रहा हूँ, यदि A1 सेल बराबर नहीं है किसके, खाली के, तो आपको क्या चाहिए, तो मुझे फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट में क्या चाहिए हमको, तो सिंपली बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ और आउटलाइन बॉर्डर चाहिए, सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। आपको एक बार ओके करना है। अब इस सीट पे डायनेमिक बॉर्डर बन चुका है। जैसे मैं कोई एंट्री करूंगा, जैसे मैं एंट्री करते जाऊंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर आपके लिए लगते जाएंगे, और जितना बार आप एंट्री करोगे उतना बार यहाँ पे बॉर्डर लगता जाएगा। जैसे देख सकते हैं मैं जैसे ही टाइप करता जा रहा हूँ ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर लगते जा रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूँ, अब जैसे सेलेक्ट करके कोई भी मेटर डिलीट करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर भी डिलीट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एवं इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।